हेलो गाइस, वेलकम टू एनोटेक्स गेमर्स। सो गाइस, मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ WCC 3 के सेकेंड फेज के अपडेट में क्या कुछ अनलॉक होने वाला है नेक्स्ट अपडेट में। सो पूरा डिटेल्स आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ज़रूर पूरा वीडियो अंत तक देखते रहेगा और इस वाले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नया देख रहे हैं हमारे चैनल को, आपकी ये सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है गाइस इस समय। सो गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ WCC 3 के फुल डिटेल। जो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे कि अपडेट क्यों नहीं आया है WCC 3 का अभी तक, और उसमें अगले वाले फेज 2 के अपडेट में क्या कुछ लॉन्च होने वाले, क्या कुछ अनलॉक होने वाले, वो भी आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ पूरे क्लैरिटी के साथ। तो ज़रूर पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। और गाइस, तो आपको पता है June 10 को एक अपडेट आया था WCC 3 का, उसके बाद आपको June 20 को एक बग फिक्सेस अपडेट आया था 540 MB का, पर उसमें इतना खास तो नहीं है। तो उसमें पहला फेज में आपको ब्लिच टूर्नामेंट और T20 वर्ल्ड कप खुला है बस, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ है गाइस। सो फेज 2 का अपडेट में आपको क्या टूर्नामेंट्स अनलॉक होंगे वो आपको मैं इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको पता है WCC 3 में बहुत सारे टूर्नामेंट्स वगैरह है। सो उसके बाद आपको नेक्स्ट फेज अपडेट में आपको 50 ओवर वर्ल्ड कप और जो एशिया कप का जो टूर्नामेंट है वो अनलॉक हो सकता है गाइस, क्योंकि वो लोग सिर्फ 2-2 टूर्नामेंट अनलॉक करवा रहे हैं बहुत समय से। मैं भी देख रहा हूँ कि अगर वो लोग अपडेट देना है तो फुल वर्जन में देंगे गाइस, क्योंकि आपको पता है गेम का हाइप बना रहने के लिए ये लोग पूरा डिले कर रहे हैं, क्योंकि गेम का जो हाइप होता है, अगर एक ही साथ पूरा गेम फुल वर्जन लॉन्च किए तो सभी लोग एक बार खेलते और सब भूल जाते हैं। सो इसीलिए WCC 3 का एक स्ट्रैटेजी है कि वो लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि उनका गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, और धीरे धीरे अपडेट्स देते रहे और सभी गेम्स जो खेलते हैं क्रिकेट फैंस उनके लिए अपडेट्स बहुत ही मायने रखते हैं। तो वो लोग धीरे धीरे अपडेट्स देते हैं और हम उसके लिए वेट करते हैं गाइस। तो इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि WCC 3 ऐसा कुछ सोच रहा है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये सब। सो अगर ये लोग ऐसा ही थोड़ा थोड़ा टूर्नामेंट्स वगैरह अनलॉक करेंगे तो ये फुल वर्जन आने के लिए कम से कम अगस्त तो ज़रूर होगा गाइस, क्योंकि उसमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स अनलॉक करवानी है। ऐसा है कि माइकरन मोड़ो टेस्ट मैच हो, वो बहुत सारे फीचर्स अनलॉक करवाने के लिए कम से कम तो 2 महीने तो ज़रूर लगेंगे गाइस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि WCC 3 के ऊपर वीडियो बनाऊँ, उसका अपडेट कब आने वाला है नेक्स्ट फेज का। सो जो नेक्स्ट फेज अपडेट है गाइस, आपको इस वाले महीने में ज़रूर एक अपडेट WCC 3 का। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है गाइस, क्योंकि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके लिए एक अपडेट ज़रूर कुछ ना कुछ WCC 3 लाएगा इस वाले महीने के एंड में। सो उसके साथ साथ आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिए, क्योंकि ब्रेनर PSP का मेगा मॉड पैच भी आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल में देखने के लिए मिलेगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी गाइस। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी जो भी नया देख रहे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।